हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि जो बीरिया है उसके वेग को रोकना क्या सही है, मतलब स्पर्म को क्या होल्ड करना चाहिए, क्या स्पर्म को रोकना चाहिए, क्या ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे मिथ, बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पर अक्रॉस द सोशल मीडिया आप ये देखते हैं और इवन सुनते भी हैं। बहुत सारे मॉन्क बहुत कुछ अलग टाइप की बातें करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग कुछ अलग टाइप की बातें करते हैं। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सीधे से ये करूँगा कि किसी भी तरह का वेस्टेज यदि हमारी बॉडी के अंदर बनता है तो क्या उसको रोकना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं? ना ही कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। क्या हम स्टूल को होल्ड कर सकते हैं? ना हम कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। क्या हम जो स्वेट यानी पसीना आता है या जो हमारे माउथ से या नोज से या ईयर से जो वेस्टेज डेवलप होता है, क्या हमें उसको होल्ड करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद कुछ वेस्टेज बच जाता है, उस वेस्टेज को बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात सीधे से ये आती है कि स्पर्म को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग और साइंस के अकॉर्डिंग और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो कभी भी आप फोर्सफुली ना ही तो स्पर्म को निकालिए और ना ही फोर्सफुली आप उसको होल्ड करिए। एक नेचर का सिस्टम है कि जो यदि कुछ प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसको बाहर निकलना ही होगा। अब स्पर्म का जहाँ तक बात है, वीर्य का जहाँ तक सवाल है, इसके अपने तीन मेथड हैं बाहर निकलने के। आप कुछ भी ना करें तो आपको नाइट फॉल होगा, या फिर आप हैंड प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप सेक्स करेंगे। ये एक तीन इसके तरीके हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है और एक कहीं ना कहीं एक विचार रहता है कि जो रिलीजियस मॉन्क या साधु लोग होते हैं या कुछ लोग जो ब्रह्मचर्या को प्रैक्टिस करते हैं वो उनका नाइटफॉल नहीं होता। जो लोग ब्रह्मचर्या को प्रैक्टिस करते हैं उनका भी नाइटफॉल होता है, वो भी मैस्टुवेट करते हैं। हाँ ठीक है, वो कि वैवाहिक या शारीरिक संबंध वो नहीं बनाते फीमेल के साथ या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं इस्टेब्लिश करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जहाँ तक बात है मैस्टुबेट करने की, हैंड प्रैक्टिस की और नाइटफॉल की, तो वो सबको होता है। हाँ उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि जो लोग मैस्टुबेट यानी हैंड प्रैक्टिस भी ना करते हों तो उनका नाइटफॉल होगा। और नाइटफॉल एक प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल फिनोमेना है जिसका होना बहुत आवश्यक है। और यदि बहुत लंबे समय तक यदि आपको नाइटफॉल भी ना हो और आप एक रिप्रोडक्टिव यानी यंग एज में हैं तो फिर आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। उससे आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा, आपके स्किन की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी ब्रेन की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं एक लोडेड लाइफ फील करेंगे, एक लोडेड ब्रेन फील करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि वीर्य को रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक इंसान का अपना एक रिप्रोडक्टिव मेथड है, एक नेचुरल मेथड है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैस्टुबेट करने से नपुंसकता आ जाती है या शारीरिक शक्ति कम हो जाती है या वीर्य बनना बंद हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव बुरी है। किसी भी चीज़ की आदत, किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस होना बुरा है। यदि आप रात दिन हैंड प्रैक्टिस ही करेंगे तो फिर आपको उससे बिल्कुल नुकसान होगा, कमज़ोरी भी आएगी, आप उसके लिए ऑब्सेस भी होंगे और आपको कुछ दिन के बाद आप उसके आदि भी हो जाएंगे, यानी एक एडिक्शन हो जाएगा आपको, जैसे अल्कोहल का होता है या दूसरी चीज़ों का होता है। प्रॉपरली ये बोला गया है कि जो साइंस के अकॉर्डिंग 72 आवर्स में वन टाइम मैस्टुएशन या वन टाइम सेक्स या फिर वन टाइम नाइट फॉल होना कम्प्लीटली हेल्दी है और नॉर्मल है। बट ये यंग एज में, रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा हो सकता है और एक उम्र बढ़ने के साथ ये कम हो सकता है। लेकिन
वन डे में वंस हो सकता है, मतलब एक दिन में एक बार हो सकता है, या 3 दिन में एक बार हो सकता है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन डिपेंड करता है ये आपकी शारीरिक मानसिक क्षमताओं पर और आपकी नीड पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और कभी भी वीर्या को, स्पर्म को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। उससे कोई आपको सुपरमैन आप नहीं बनेंगे, और उससे कोई बहुत ड्रामेटिकल चेंज नहीं आएगा, और उससे बहुत बड़े फ़ायदे नहीं होंगे। ये केवल मिथ है, ये केवल अंधविश्वास है। आप एक नॉर्मल इंसान हैं, यदि नॉर्मल फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ में रहते हैं, तो नॉर्मल यही तरीका है, और नॉर्मल तरीके से ही आपको जीना चाहिए। आप कोई अपवाद है कोई इंसान, तो उसके साथ अपनी तुलना किसी भी तरीके से आप ना करें, अदरवाइज़ आप अपना शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।